तो हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। एंड यार सबसे पहले दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोगों को एपिसोड 1 इतना ज़्यादा पसंद आएगा। और मैंने कमेंट्स पढ़े, आई थिंक बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स थे। और आप लोगों को वेट नहीं हो रहा यार एपिसोड 2 का, मतलब मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी DMs आए कि भाई एपिसोड 2 जल्दी अपलोड करो। तो ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर यू कैन टेक अ बस, प्राइवेट बस और गवर्नमेंट बस, और यू कैन हायर अ प्राइवेट टैक्सी ऑल्सो। तो ऋषिकेश या हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के बस के चार्जेस होते हैं वो अराउंड 550 to 600 रुपीज होते हैं। और इफ़ यू हायर अ प्राइवेट टैक्सी, आपके जो चार्जेस अराउंड आपके पड़ेंगे इज 1000 to 1200। और ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट भी हो सकते हैं, लगभग 1500 या 2000 भी पहुंच सकते हैं। बात करते हैं टाइमिंग्स का, तो बस का टाइमिंग जो रहता है मोस्टली 9 बजे तक आपको बस मिलेगी अच्छे से। 9 बजे तक आपको बहुत सारी बसें मिल जाएगी हरिद्वार या ऋषिकेश में, बट 9 बजे के बाद आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं बस मिलने के। तो आप एक प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हो और उसका जो टाइमिंग्स रहता है लगभग आपको इवनिंग तक जो है आराम से कोई भी प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी। तो हम भी जो है ऋषिकेश से पहुंचे ऋषिकेश बस स्टैंड, बट ऑफकोर्स हमारी ट्रेन लेट थी तो हमको कोई भी बस नहीं मिली। सो वी हैव टू ऑप्शंस लेफ्ट। मेरा मानना ये था कि आज हम ऋषिकेश में स्टे करते एंड कल अर्ली मॉर्निंग में हम वापस निकल लेंगे बस लेके। बट मेरे साथ जो राजेश जी थे उनका मानना ये था कि आज ही चेकिंग करते, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा और बेस्ट टाइमिंग रहेगी ही चेकिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे पास बस नहीं थी। तो हमने जो है डिसाइड किया कि हम ही चेकिंग करेंगे, और विच वॉज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। जल्दी से हल्का फुल्का खाना खा के, हाँ वही ये रात को पराठे मैं घर पे से बनवा के लेके आया था, यही ठंडे ठंडे पराठे और नींबू के अचार के साथ अलग ही स्वाद आता है, तो इसका स्वाद ले रहे हैं। देन उसके बाद हम निकलेंगे और हम निकल पड़े पैदल पैदल ऋषिकेश की वादियों में। एंड आवर जर्नी बिगिंस फ्रॉम हियर, केदारनाथ 223 किलोमीटर एंड बद्रीनाथ 291 किलोमीटर। देखो सीन ऐसा है, अभी जो है एक तरह से कह सकते हो ये मेरी फर्स्ट हिचहाइकिंग है, और वो भी इन्होंने करवा के दी है। मैं इसे तो मतलब हो ही नहीं रहता, क्योंकि यार आज से पहले मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, बट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। और अभी जो है हम एक पिकअप में बैठे हैं, और ये पिकअप पता नहीं हमको कहाँ तक लेके जाएगी, बट जहाँ तक भी लेके जाएगी हमारे लिए बेस्ट है। जितना हो सके आज हमको कवर करना है, और कोशिश पूरी ये रहेगी कि हम सोनप्रयाग तक पहुंच ही जाए कैसे भी। बाकी पीछे का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, भाई साहब क्या लग रहा है यार, ऊपर पहाड़ देखो, इसे ही पागल हो रहा हूँ कि भाई यहाँ पे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, आगे जाके पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा यार। बाकी हम थोड़ा फ़ोन ऑफ रखेंगे क्योंकि हमको बैटरी जो है बचानी है, रात तक बैटरी चलानी है, तो थोड़े बहुत शॉर्ट्स एंजॉय करो और सीधे मिलते हैं आपको न्यू लोकेशन पे। सो आवर फर्स्ट ऑफिशियल चेकिंग वाज ऑफ 20 किलोमीटर इन अ पिकअप वैन। और मैं अगर एक सच बताऊं तो दो क्वेश्चन आए माइंड में, मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्या मेरे को सच में इसकी ज़रूरत है। बट एक चेकिंग करने के बाद इतना मज़ा आया कि अगले में मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। और थोड़ा बहुत पैदल चलने के बाद मेरे को एक क्यूट से भैया मिले। मैं पैदल पैदल चल रहा था, ऑफकोर्स मेरे पास एक मेरा बहुत बड़ा बैग था और उसमें ट्रैपॉड था और योगा मैट था, तो उन्होंने देख के वो खुद समझ गए और उन्होंने बाइक रोक ली। और फिर क्या, हम भी बिना शर्म के उनके साथ बैठ गए और चल पड़े वापस ऋषिकेश की वादियों में। साथ में ऐसा व्यू हो तो क्या ही बात है। तो अभी हम रुके एक ढाबे में चाय पीने के लिए, चाय पी रहे हैं, आज हम निकलेंगे वापस यहाँ से चाय पीने के बाद।
देवप्रयाग तक की एक मैंने लिफ्ट ली है, उसके बाद मैं वापस कंटिन्यू करूँगा कहीं और के लिए। तो लेट्स सी आज सोनप्रयाग तक का टारगेट है पूरा करते हैं। और भैया ने जो अभी मेरे को एक और सरप्राइज़ दे दिया, भैया जो है मेरे को सीधे श्रीनगर तक लेके जा रहे हैं। तो लगभग ये मतलब 80-90 किलोमीटर की लिफ्ट हो गई यार। भैया थैंक यू सो मच दिल से। और भैया के पास हम बाइक से जा रहे हैं, मतलब सीरियसली बाइक से कोई लिफ्ट दे रहा ना तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पहाड़ में बाइक चलाना दो जनों के साथ और पीछे मेरा इतना बड़ा बैग। हेड्स ऑफ यू भैया, थैंक यू सो मच। बाकी मज़ा काफ़ी है सच में भैया, बाइक से अलग ही है ये फील तो है। अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर, और ये एक्चुअली में उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। हाँ, वो जम्मू कश्मीर वाला अलग है, जम्मू वाला अलग है। तो भैया ने जो है हमको लगभग 80-90 किलोमीटर की लिफ्ट दी, तो थैंक यू सो मच भैया। आपका नेम एक बार नेम तो बताओ। अभी चौधरी। अभी चौधरी। तो भैया एक्चुअली में अपने घर पे से आ रहे थे यहाँ पे पढ़ाई करने, तो बीच में को भैया मिले और उन्होंने मेरे को मतलब बिना कुछ बोले बोले सीधे पिक कर लिया और लेके आ गए सीधे यहीं पे श्रीनगर तक। मुझे वैसे भी आना ही था, मैंने कहा चलो। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बाकी अब यहाँ से जो है अपनी नेक्स्ट, अब यहाँ इसके बाद क्या आएगा श्रीनगर के बाद? रुद्रप्रयाग के बाद फिर आगे जो भी होगा फिर तो थोड़ा ही है यहाँ से, मतलब 120 के करीब मान लो। 120 किलोमीटर बचा है हमारा केदारनाथ, 220 में से 120 किलोमीटर बचा है, 100 किलोमीटर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी टाइम हो चुका है लगभग 4 बज गए। तो देखते हैं कंटिन्यू करेंगे या फिर यहीं पे स्टे करेंगे। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। ये देखो गाइस गंगा मैया, क्या बात है यार, हर हर गंगे, क्या व्यू है। तो अपडेट ये है, अभी जो हम श्रीनगर में पैदल पैदल चल रहे हैं और अब केदारनाथ लगभग यहाँ से 120 किलोमीटर बचा है अभी भी। तो लेट्स सी आज मैं कितना कवर कर पाते हैं, बट हमारा गोल ये है कि हम 7 बजे तक ही चेक इन करेंगे, उसके बाद हम दोनों साथ में मिल जाएंगे और वहीं पे हमारा जो है कैंपिंग करेंगे। बाकी साइड में व्यू देखो गाइस, इस व्यू के जस्ट बगल में चल रहा हूँ मैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फाइनली आज की हम डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। हमने आज कवर किया है ऋषिकेश टू श्रीनगर और लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा आज हमने हिचैकिंग की है। और यार मतलब क्या एक्सपीरियंस था, मतलब यार कई बार शर्म भी आती है कि यार ऐसा हम क्यों लिफ्ट मांग रहे हैं, बट भाई बहुत मज़ा आता है क्योंकि नए नए लोगों से मिला। आज लगभग मैं कम से कम 5 या 6 लोगों से मिला, उनके बारे में उनसे पूछा, मैंने अपने बारे में उनको बताया और उन्होंने नई नई चीज़ें मेरे को उत्तराखंड के बारे में बताई, मैंने अपने जयपुर राजस्थान के बारे में उनको ये चीज़ें बताई। तो ये चीज़ जो है ना आप ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते और हिचहाइकिंग करते हुए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी का मैं बता दूँ, अभी हमको मिला है श्रीनगर में गुरुद्वारा, हम वहाँ पर रुके और ये मेरा कुछ ऐसा रूम है, हम एक्चुअली जैसे अपने धर्मशाला होती है वैसे ही गुरुद्वारा में हमको एक रूम मिला है। तो गुरुद्वारा का टूर मैं पूरा देने वाला हूँ, यहाँ पे हम खाना भी यहीं पे खाने वाले हैं और मैं पूरा आपको दिखाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना अपना फेवरेट पार्ट और क्या मेरी मिस्टेक्स है, प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आगे से कोशिश करूंगा उस मिस्टेक्स को सही करने की। बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ऐसा अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए।